हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल बेंच बार में। मैं हूं आधार जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13। वैसे तो ये इतना बड़ा आर्टिकल है, अगर देखें इसके अंदर इतने सारे केसेस हैं, इतने डिसीजन है कि अपने आप में ही बहुत समय ले सकता है, बट हम इसको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 13, जैसा कि आपको मालूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि स्ट्रेंथ देता है फंडामेंटल राइट्स को बाय मेकिंग इट जस्टिसिएबल। अब जस्टिसिएबल मतलब कि अगर आपका कोई भी उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप कोर्ट में जाके केस लगा सकते हो। और हम देखते हैं आर्टिकल 13 इस बारे में बात करता है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन कर रहा हो, मतलब उल्लंघन वगैरह हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2014 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 13 का वो है टू सिक्योर पैरामाउंटेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ये किस केस में कहा गया? रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2014। देन फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012 के केस में ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 13 जो है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है और ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस, काफी प्रेफरेंस दिया है फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 13 को इंसर्ट किया जिससे कोई भी उल्लंघन ना करे। आर्टिकल 13 जो है आपका, ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में भी बात करता है। आइए देखते हैं। आर्टिकल 13 नॉट ओनली डिक्लेयर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, बट इट ऑल्सो प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज विच ईदर टेक अवे और एब्रिज फंडामेंटल राइट। इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 जो है ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को वॉइड घोषित नहीं करता, अगर कोई स्टेट जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है, मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके पहले के लॉ है वो कौन से होंगे, जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया। अब अगर यहाँ पर ये ऑलरेडी लॉ है और जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो अगर इनके बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, कुछ क्लैश होता है, कहीं कुछ उल्लंघन कर रहे होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का, तो जितना पार्ट उल्लंघन कर रहा है उतना वॉइड हो जाएगा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उनका। वहीं पर ये बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उसके बाद अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है जिससे आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स से आपको टेक अवे या अब्रिज या शॉर्ट या रिड्यूस वगैरह किया जा रहा है इस तरीके से, तो वो वॉइड होगा। अब आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 13 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 13 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से, और मैंने आपको समझाया कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। आइए इसको रीड करते हैं, वेरेक्ट आपका क्या बोलता है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो जो भी लॉ फोर्स में है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो भी लॉ फोर्स में है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले जो भी लॉ फोर्स में है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है इस पार्ट से, मतलब फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से, अगर इनकंसिस्टेंट मतलब क्लैश खा रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो जितना भी वो उल्लंघन कर रहा है, क्लैश खा रहा है, वो वॉइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट इफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट देन इट बिकम वॉइड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस दिन जो भी लॉ होगा आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब पहले से होगा, और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो कुछ और बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है, तो उतना पोर्शन वो है वॉइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं वॉइड बोल रहा हूँ, वॉइड एब इनिशियो नहीं, क्योंकि वॉइड एब इनिशियो होता है कि शुरुआत से वो क्या हो जाएगा, कि मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे समझेंगे इसको डिटेल में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 2, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 13 1 प्री से, आर्टिकल 13 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से डील करता है। आइए बेरेट की रीडिंग करते हैं क्या बोलता है। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिजेस द राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। दस No fundamental right can be infringed by the state either by legislative action or administrative action.
तो ये वही बोल रहा है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया उसके बाद स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जिससे आपका उल्लंघन हो फंडामेंटल राइट्स का। आगे देखते हैं अब बोलता क्या है कि यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा स्टेट द्वारा, भले ही से वो लेजिस्लेटिव एक्शन कर रहा हो मतलब लॉ बना रहा हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कर रहा हो उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो वॉइड है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट वॉइड एब इनिशियो एज आई हैव सेड अर्लियर। मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया था, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आप एलएलबी कर रहे हो तो वहां क्वेश्चन आ जाता है, आप प्री मेंस, आप अगर सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के भी बन जाते हैं प्री के भी बन जाते हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है ये वॉइड होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये एग्जिस्ट करते हैं सारे पास्ट में एक्ट, मतलब कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ उससे पहले, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एक्ट है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो अगर हम देखें तो आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका एविडेंस हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, सीपीसी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पर्सन को प्रोसिक्यूट भी हो रहा है, पनिश भी हो रहा है उन सारे ऑफेंसेस के जो कमिट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में भी नहीं आया था, और ऑलरेडी जो पहले के लॉ थे उसमें क्या हो रहा था, प्रोसिक्यूशन भी हो रहा था, पनिश भी किया जा रहा था जो भी ऑफेंसेस किए जा रहे थे। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो प्रोस्पेक्टिवली वॉइड है, ना कि वॉइड एब इनिशियो है, अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है पार्ट थ्री। वहीं पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के केस में, तो आगे हम देखते हैं। बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब क्या, तो मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद जो लॉ है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो वॉइड होगा, जितना भी इनकंसिस्टेंसी मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया कि जो कि उस पर लागू हो रहा है और वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। चलिए, ब्रिज मोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 इस बारे में बात करता है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो लिमिटेड है बाय फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो लॉ बना रही है आपकी स्टेट वो उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है कि वो फंडामेंटल जो है जो फंडामेंटल राइट्स उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि जब भी वो लॉ बनाएंगे तो ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट थ्री। आगे बढ़ते हैं, तो ये केसेस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप एग्जाम में कोर्ट वगैरह इनमें कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा वो आपका अगर हम डायरेक्ट से देखें तो आर्टिकल का 13(1) और 13(2) की हमने बात करी कंप्लीटली। अगर हम 13(3) की बात करें तो 13(3) का ए जो है वो बात करता है लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ मतलब क्या है। तो लॉ जो है आपका कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल के 13(3) के ए में लॉ के बारे में बात की गई है। द टर्म लॉ इंक्लूड्स कोई भी ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इवन कस्टम और यूसेज जो भी आपकी इंडिया की टेरिटरी के अंदर है जो फोर्स में है वो यहाँ पर लॉ बताया गया है। एक केस है द्वारका नाथ वर्सेस स्टेट 1959 का, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो इशू किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स द्वारा वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार कई बार सवाल आता है आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो हम काफी इसमें डॉक्ट्राइंस पढ़ते हैं, सेवरेबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू और बहुत कुछ पढ़ते हैं। अब वो तो हम सब यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अगर हम बात करें एक सवाल उठता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं तो क्या वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे केसेस हैं तो उतना डिटेल में तो नहीं, बट मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए सेपरेट वीडियो, जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनके लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लॉ अभी हमने देखा कि आर्टिकल 13 में लॉ की बात की गई है और लॉ एनफोर्स की भी बात की गई है। लॉ एनफोर्स इंक्लूड करता है कि जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ बना रही है इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो प्रीवियसली रिपील्ड नहीं होना चाहिए, वो लॉ रिपील्ड ना हुआ हो, अगर वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन ने लॉ बनाया या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लॉ बनाया है तो वो लॉ एनफोर्स के अंदर आ जाएगा, भले ही से फिर कहीं कहीं पर वो ऑपरेट किसी पार्ट में नहीं भी कर रहा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो ये आपका 13.3 था, देन आपका आता है 13.4 लास्ट। अब ये जो है इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हुई हैं आर्टिकल 13.4 के साथ, बहुत सारे केसेस जुड़े हुए हैं। बट अगर बहुत ही जनरल सेंस में हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो जो भी इस आर्टिकल 13 में दिया हुआ है ये अप्लाई नहीं करेगा आर्टिकल 368 में, जहां पर अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा अलग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, केसेस भी हैं और बहुत कुछ है। आई होप इतना आपको आर्टिकल 13 के बारे में समझ में आया होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको एक आइडिया लग गया होगा और आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। बाकी जो भी डॉक्ट्राइंस हैं और जो भी डिटेल में और भी जो चीजें हैं आर्टिकल 13 के अंदर, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो डॉक्ट्राइंस हैं या वो जो चीजें हैं वो किस बारे में बात करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।